एक और 11 में आइए, अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जमशेदपुर के एक गांव से जुड़ी, जहां पर हाथियों के एक झुंड ने हमला बोल दिया, कई एकड़ में खड़ी फसल को तबाह कर दिया और दर्जनों घर रौंद डाले। ये हाथी पास के जंगल से आए थे, शायद कटते जंगल और खत्म होते चारे ने इन्हें इतना उग्र बना दिया कि इन्हें इंसानों के आशियाने पर धावा बोला था। आगे आगे डर से भागते लोग और पीछे पीछे हाथियों का झुंड। और ये क्या, अब लोग हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये मामला क्या है भाई, कुछ समझ से परे है। ये तस्वीर झारखंड के जमशेदपुर की है, जहां 30 हाथियों के झुंड ने एक गांव पर हमला बोल दिया। हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में आया और जो भी रास्ते में आया उसे रौंदता चला गया। हाथियों के इस झुंड ने पहले तो खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया और फिर घरों पर धावा बोल दिया। करीब एक दर्जन घर इन बेलगाम हाथियों की चपेट में आ गए। अब गांव वालों ने इन हाथियों से खुद ही निपटने का फैसला किया। इस झुंड को दोबारा जंगल की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये अक्कड़बाज हाथी दोबारा जंगल की तरफ लौटने को तैयार नहीं है। हम लोग सूचना पाकर वहां पर पहुंचे हैं, वन विभाग के आला अधिकारियों से हम लोगों ने बातें किया है, वो क्षति का आंकलन कर रहे हैं। सभी परिवार के लोगों को हम लोग मुआवजा दिलाएंगे, वहीं सातों परिवार उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का हम लोग पहल कर रहे हैं। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, इन बेजुबान जानवरों को जंगल से भागना पड़ रहा है क्योंकि हम इनका जंगल काट रहे हैं। अगर हम इनका आशियाना उजाड़ेंगे तो ये हमें गांव से भागने पर मजबूर कर ही देंगे। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। जिन जानवरों को जंगल में होना चाहिए वो आबादी वाले इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, मीनाक्षी। बिल्कुल, और यहाँ एक गांव है जहां बाघ के घुसाने से भारी दहशत है। बाघ ने दो लोगों पर हमला भी किया, उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। इस बाघ ने तबाही मचा रखी है, जंगल से निकलकर ये गांव की आबादी वाले इलाके में घुस आया है और फिर खून खराबे पर ऐसा उतरा कि इस इलाके में दहशत फैल गई है। जरा देखिए बाघ के डर से लोग कैसे भाग रहे हैं। बाघ खेतों में चहलकदमी करते हुए जिस तरफ मुड़ता है लोग उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। भागे भी क्यों ना, ये बाघ अब तक दो लोगों का शिकार कर चुका है। ये तस्वीर लखीमपुर खीरी के बलदेव पुरवा गांव की है। एक दिन पहले यहां दो किसान अपने खेतों में दवा का छिड़काव करने गए और वहां घात लगाए बैठे बाघ ने हमला बोल दिया। गांव वालों ने हमला होते देख बड़ी तादाद में खेत की तरफ कूच किया, लेकिन अभी भी ये बाघ काबू में नहीं आ पाया है। अब दूसरी तस्वीर देखें, ऋषिकेश में जंगली हाथियों का झुंड निकला तो सड़क पर ट्रैफिक रुक गया। हाथियों का यह दस्ता आराम से सड़क पार कर दूसरी तरफ जंगलों में चला गया। हाथियों के गुजर जाने के बाद ही वाहनों की वहां पर आवाजाही शुरू हो पाई। लखीमपुर खीरी और ऋषिकेश की दोनों तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि अगर जंगलों का दायरा कम होता रहा तो ऐसी तस्वीरें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के कच्छ में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान का हादसा हुआ है। जामनगर से उड़ान भरने के बाद जैगुआर जहाज क्रैश हो गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हालांकि पायलट्स को लेकर अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है और जो पहली तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। कच्छ में यह हादसा हुआ, जामनगर से इस विमान ने उड़ान भरी थी, लड़ाकू विमान, लेकिन ये क्रैश हो गया। वजह क्या रही अभी, क्योंकि ये शुरुआती जानकारी है तो इस पर थोड़ा और इंतजार करना होगा कि कुछ पुख्ता जानकारी वजह को लेकर और पायलट्स किस हाल में, इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ हो सके। सवाल खड़ा ये होता है कि जो पायलट था क्या वो सेफली इजेक्ट कर जाता है,
कई किलोमीटर के इलाके में इसका मलबा फैला हुआ है, यानी कि सीधे अगर बात की जाए तो ये एक चिंता का विषय इसलिए है, यानी कि सीधे प्लेन जो है वो न सिर्फ क्रैश लैंड होता है, क्रैश लैंड नहीं बल्कि एकदम जमीन पे हिट करता है, क्योंकि एक जगह इसका जो जो चीथड़े हैं वो एक जगह नहीं है बल्कि कई जगह इसके चीथड़े और इसके कलपुर्जे फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। एक टोल प्लाजा से रात के वक्त एक ट्रक गुजरता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का संतुलन कैसे बिगड़ गया और तेज रफ्तार ट्रक टोल के केबिन के दीवार से टकरा गया। इस टक्कर से टोल प्लाजा और केबिन चकनाचूर हो गए और सारा मलबा नीचे सड़क पर आकर गिर गया। गनीमत रही कि एक साइकिल सवार जो चंद सेकंड पहले हादसे वाली जगह से आगे बढ़ गया था, उधर वो थोड़ा भी इधर उधर होता तो उसके साथ क्या हो सकता था, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे में ट्रक ड्राइवर और टोल प्लाजा के कर्मचारी बाल बाल बच गए। अब भोग और प्रसाद की एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली नजर में देखने में यह तस्वीर आपको रंगोली की भी लग सकती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल ये काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और तमाम तरह के सूखे मेवों से बनाई गई रंगोली है, जिसे वडोदरा के ब्रजधान मंदिर में सजाया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।